हेलो हेलो, ग्रीटिंग्स एवरीवन। मेरा नाम है सावन कुमार अग्रवाल और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक चैप्टर। उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें 8 टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम स्टडी करेंगे वो है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारा सेकेंड टॉपिक है करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। हमारा जो थर्ड टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारा फोर्थ टॉपिक है बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारा फिफ्थ टॉपिक है सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारा सिक्स्थ टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारा सेवन टॉपिक है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। और हमारा लास्ट टॉपिक या एट टॉपिक हमारा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो लेट मी फर्स्ट राइट ऑल द 8 टॉपिक्स। आज का चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर का नाम है, इसके अंदर 8 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। हमारा थर्ड टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फोर्थ टॉपिक है हमारा बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिफ्थ टॉपिक है हमारा सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सेवन टॉपिक है हमारा चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। और लास्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर फिर से रिपीट कर दूं हमारे टॉपिक्स क्या हैं, आज हम 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिफ्थ टॉपिक है सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिक्स टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सेवन टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। और लास्ट टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? अगर हम जानना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा फॉरेन करेंसी का मतलब। सपोज नहीं, हम सब रहते हैं एक देश में, देश का नाम है इंडिया। इंडिया में जो करेंसी चलता है वो है इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस को छोड़ के बाकी जितने करेंसीज हैं, जैसे डॉलर्स, येन, पाउंड, ये सारे करेंसी कहलाते हैं फॉरेन करेंसी। यानी इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी हो गया या होम करेंसी हो गया इंडियन रुपीस, पर उसको छोड़ के बाकी जितने करेंसीज हैं सारे करेंसी कहलाएंगे फॉरेन करेंसी। वैसे अगर हम यूएस का बात करें, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहां चलता है यूएस डॉलर्स, तो उनके लिए डोमेस्टिक करेंसी हो गया यूएस डॉलर्स। पर यूएस डॉलर्स को छोड़ के बाकी सारा करेंसी, इंडियन रुपी हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ये सारे उनके लिए हो गए फॉरेन करेंसीज। यानी एक देश में जो करेंसी चलता है उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा वो कहलाएगा उस देश का डोमेस्टिक करेंसी, और उस एक करेंसी को छोड़ के दुनिया के बाकी सारे करेंसीज कहलाएंगे फॉरेन करेंसीज। इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या है? यूएस डॉलर्स है, येन है, पाउंड है। पर अमेरिका के लिए फॉरेन करेंसी क्या है? अमेरिका के लिए फॉरेन करेंसी में आएगा पाउंड, यूरो, इंडियन रुपीज, ये सारे के सारे अमेरिका के लिए फॉरेन करेंसी है।
फॉरेन करेंसी के बाद हमारा टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, दो करेंसी को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जिस रेट में मैं एक करेंसी के बदले दूसरा करेंसी परचेज कर रहा हूँ, या द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द अदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल, सपोज अभी वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹6063। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि एक यूएस डॉलर में ₹60 आता है, यानी अगर मुझे $1 बाई करना है तो मुझे ₹60 फॉरगिव करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। सपोज मुझे $10 लेना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, 60 × ₹10 600। सपोज मुझे हाफ डॉलर बाई करना है तो मुझे देना पड़ेगा 60 × ½ = ₹3030। ये जो एक्सचेंज रेट है, जहां पर मैं एक करेंसी को दूसरे करेंसी से इक्वेट कर सकता हूँ, ये जो रेट है ये रेट कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर्स टू, या फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें मैं एक करेंसी को कन्वर्ट कर सकता हूँ कोई दूसरे करेंसी में। क्या ये रेट कांस्टेंट है? क्या $1 = ₹60 कांस्टेंट है? नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट चेंजेस विद टाइम और फिर एज पर डे, एज पर डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, प्याज जब हम खरीदते हैं कभी हमें मिलता है ₹10 किलो, कभी 20, कभी 25, कभी 50, कभी 60, कभी 40। रीजन है, जैसे प्याज का दाम वैरी करता है, गोल्ड का दाम वैरी करता है, वैसे ही ये जो एक करेंसी का दूसरे करेंसी से जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी वैरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो याद रखें, ये फिक्स्ड नहीं है, ये वैरी होता रहेगा। पहला टॉपिक हमारा चला गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैं इसका मतलब फिर से समझा दूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें हम एक करेंसी को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड करेंसी में या दूसरे करेंसी में। सेकेंड टॉपिक जो हमारा था उसका नाम था करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। तो लेट अस मूव टू टॉपिक नंबर टू। टॉपिक नंबर टू आज के क्लास का है करेंसी, पहला पार्ट एप्रिसिएशन, सेकेंड पार्ट डेप्रिशिएशन। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल एज्यूम करना पड़ेगा। लेट वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹60, लेट इट बी। अब क्या हो गया, ये रेट जो था $1 = ₹60, ये चेंज हो गया। ये चेंज होके ऐसा हो गया वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹50। ये ऐसा हो गया वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹70। याद रखें, एप्रिसिएशन तब होता है जब एक करेंसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है। 60 यानी पहले $1 के लिए ₹60 देना था, अब हमें $1 के लिए ₹50 देना है। अगर ये सेकेंड वैल्यू घटता है तो ये कहलाता है एप्रिसिएशन, पर अगर ये सेकेंड वैल्यू 60 से 70 इंक्रीज होता है तो ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। देखिए, हमारा होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रुपीस, वी आर इंडियंस, हमारा डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रुपीस। इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस, इट इज नोन एज एप्रिसिएशन। वेयर एज व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस, इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। फिर से रिपीट कर दूं, एप्रिसिएशन का मतलब यह है कि जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यू एक्सचेंज रेट में इंक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। एप्रिसिएशन को हम एक और एंगल से समझ सकते हैं। अगर $1 खरीदने के लिए मुझे ₹60 चाहिए, पर अब वही डॉलर खरीदने के लिए मुझे 60 नहीं, 60 से कम रुपए चाहिए। मुझे चाहिए ₹50, ₹45, ₹55, जो भी है, जो 60 से कम है, तो मैं बोलूंगा
कि हमारा करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है, पर अगर वही डॉलर खरीदने के लिए मुझे 60 से एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है, 70, 75, 65, 80, तो मैं बोलूंगा कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। सिंपल। अच्छा, एप्रिसिएशन और डिप्रिशिएशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट होता है दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वो दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज के क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक टॉपिक है इम्पोर्ट और सेकेंड टॉपिक है एक्सपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लें इम्पोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट्स क्या होता है। सपोज हमारे देश में जो गुड्स बाहर से आते हैं, एप्पल सेलफोन या सैमसंग फोन जिनके पास है, सारा का सारा सैमसंग फोन्स जो है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग, जहां से सेलफोन्स आते हैं। तो साउथ कोरिया में सेलफोन्स बन रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो एक अलग है इम्पोर्ट्स। पर जब हमारे देश के गुड्स बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, इंडिया के बाउंड्रीज के बाहर जा रहे हैं, तो वो कहलाएंगे एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब होता है हमारे देश में सामान आना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश से सामान बाहर जाना। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर अफेक्टेड होते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है या फिर वैरी होता है। कैसे? देखिए, अगर आपको ये चैप्टर समझना है और उसके बाद वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना है, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि एक्सपोर्टर्स फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करते हैं। मैं अगर यहां से माल को विदेशों में बेच रहा हूं, तो वो जो मुझे पेमेंट देंगे वो डॉलर्स के टर्म पे देंगे। किस में देंगे? डॉलर्स में। यानी अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मुझे डॉलर्स में डॉलर्स को रिसीव करूंगा, जिसको मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके फिर अपना हिसाब किताब करूंगा। पर अगर मैं इंपोर्टर हूं, यानी मैं विदेशों से माल अपने देश में लाता हूं, तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर्स में। यानी इंपोर्टर्स नीड डॉलर्स टू पे फॉर द इंपोर्ट्स, वेयर इज एक्सपोर्टर दे आर द सेलर्स ऑफ द डॉलर्स, बिकॉज दे गेट डॉलर्स फ्रॉम द फॉरिन कंट्रीज, दे सेल द डॉलर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू रुपीस। एक अच्छा एग्जाम्पल, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज कच्चा तेल दुबई से लाता है, तो वो जो कच्चा तेल ला रहा है तो वो कहलाएगा इम्पोर्टर। बट ऑन द अदर हैंड एक सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है TCS। TCS क्या करता है? यहाँ विदेश के कंपनियों को सर्विसेस देता है, तो वो कहलाएगा एक्सपोर्टर। वो इंडिया का माल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जब वो पेमेंट लेगा तो कंपनीज, वो फॉरेन कंपनीज उसको पैसा देंगे डॉलर्स के टर्म पे। और रिलायंस जो यहाँ पर तेल ला रहा है बाहर से, तो रिलायंस को जो पैसे देने पड़ेंगे, रिलायंस उसको पे करेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। एक्सपोर्टर गेट फॉरेन करेंसीज एंड इम्पोर्टर्स नीड फॉरेन करेंसी। मीन्स अगर मैं बात करूं मार्केट का, इसका मतलब कि एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे इंडिया मार्केट में? एक्सपोर्टर्स फॉरेन करेंसी को बेचेंगे, पर इंपोर्टर्स फॉरेन करेंसी को खरीदेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या होगा हमारे देश के, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या होगा हमारे देश के दो इंडस्ट्रीज, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं इंपोर्ट, यहां हम लिखते हैं एक्सपोर्ट। सपोज $1 में 60 रुपीज आता है, करेंसी एप्रिशिएट हो गया है, अब आ रहा है $1 में रुपीज 5050। लेट वन मोर एग्जांपल, $1 अगर डिप्रिशिएट हो गया तो उसमें आएगा रुपीज 7070। तो सपोज मैं एक इंपोर्टर हूं, मैंने एक माल खरीदा है $100 का, तो मैंने एक माल खरीदा है $100 का, अगर करेंसी डिप्रिशिएट हो गया, नॉर्मल करेंसी 60 रुपीज है, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 इंटू 60 इक्वल्स टू 6000 रुपीज देने पड़ेंगे। पर अब करेंसी अप्रिशिएट हो गया, कितना आ रहा है? 50। तो वही $100 के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50 × 100 = 5000। यानी पहले मैं दे रहा था 6000 रुपया, अब मैं दे रहा हूं 5000 रुपया, इसका मतलब 1000 रुपया का प्रॉफिट। यस ओर नो? इसका मतलब मेरे को 1000 रुपए का फायदा हो रहा है। वही चीज जो मैं खरीद रहा हूं $100 में, वो मेरे को 6000 में लगता था पहले, अब मेरे को लग रहा है 5000। तो जब करेंसी अप्रिशिएट होता है तो इंपोर्टर्स का फायदा होता है। इसका मतलब हमारे देश में इंपोर्ट इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड मैं बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट का। सपोज हमारा करेंसी अप्रिशिएट हो गया फ्रॉम 60 टू 50, मैंने विदेश में माल भेजा
फिफ्टी डॉलर्स की, तो मुझे पेमेंट मिलना था 60 × 50 को 3000, पर क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट हो गया मुझे कितना मिलेगा 60 × 50 अब मुझे मिलेगा 2500 रुपए। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आई एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ रुपीज $50। यहां दो केस बनता है, एक हो गया एग्जाम्पल केस जहां पर मैं ले रहा हूं $1 इज इक्वल टू रुपीज 60, एक हो गया अभी का केस करेंट केस जहां मैं लिख रहा हूं कि $1 अब अप्रिशिएट होके हो गया है रुपीज 50। इसका मतलब ये हो गया कि जब $1 इक्वल टू 60 रुपीज है, $50 मुझे मिला है, तो मेरे को वैल्यू डिराइव हुआ है 50 × 60 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। पर जब यहां पर हो गया मुझे $50 मिला, यानी 50 × 50 इज इक्वल टू रुपीज 2500। इसका मतलब मुझे 500 रुपए कम मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्टर्स विल डिक्रीज द एक्सपोर्ट्स। याद रखें, अगर करेंसी आपका एप्रिशिएट हो रहा है तो इंपोर्टर्स का फायदा है, इंपोर्टर्स अपने इंपोर्ट को इंक्रीज करते हैं, पर जब करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है एक्सपोर्टर्स का नुकसान है, तो वो बेसिकली अपने एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे। अब हम बात करते हैं डेप्रिशिएशन का। सपोज मैं एक इंपोर्टर हूं, क्या हूं मैं एक इंपोर्टर, तो मैं इंपोर्ट करता हूं, नॉर्मल केस में मुझे देना है $1 के लिए 60 रुपीज। सपोज मैं $100 का इंपोर्ट करता हूं, तो यहां मुझे देना था 100 × 60 इज इक्वल टू 6000 रुपीज, पर अभी मुझे देना पड़ेगा $100 के लिए 100 × 70 इज इक्वल टू 7000 रुपीज। यानी ये मैं पे कर रहा हूं, पे PAY पे, पहले 6000 में हो जा रहा था काम, अभी 7000 लग रहा है, 1000 ज्यादा, यानी -1000 इज माई लॉस। तो बेसिकली क्या करेंगे इंपोर्टर्स, क्या करेंगे इंपोर्टर्स विल रिड्यूस इंपोर्ट्स। जब करेंसी डिप्रिशिएट होगा वो रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट्स को, और एक्सपोर्टर ऑन द अदर हैंड इंक्रीज करेंगे। सपोज यही एग्जांपल $50 वाला, पहले उनको मिला था $50 का 50 × 60 इज इक्वल टू रुपीज 3000। अब जब हमारों का करेंसी डिप्रिशिएट हो गया तो $1 में आ रहा है 70 रुपीज, तो आपको वही $50 का उनको मिलेगा 50 × 70 इज इक्वल टू रुपीज 3500। इसका मतलब इनको 500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए हमारा देश का एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा। अगर मैं इसको समराइज करूं सिंपल वर्ड्स में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन, एक 2x2 का टेबल बना सकते हैं। यहां पर आया इंपोर्ट्स, यहां आए हमारे एक्सपोर्ट्स, क्या इंपैक्ट है? अगर करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है तो इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स ठीक इसका उल्टा होगा, दे विल डिक्रीज। अगर करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है तो यहां इंक्रीज है, तो यहां पर क्या रहेगा? डिक्रीज, और यहां पर रहेगा इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ हमारा सेकेंड टॉपिक आज का खत्म होता है, जो कि था करेंसी एप्रिशिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिशिएशन। अब हम मूव करने वाले हैं आज के हमारे थर्ड टॉपिक पे, पर इससे पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, अलग अलग देश में अलग अलग टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। पूरी दुनिया में 3 टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट पाए गए हैं। जो सबसे पहला टाइप का होता है वो कहलाता है फिक्स्ड या फिर पेग्ड, PEGGED, फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट। जो सेकेंड टाइप का आता है वो कहलाता है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और जो थर्ड टाइप का होता है वो कहलाता है मैनेज्ड
और डर्टी एक्सचेंज रेट, मैं तीनों का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो आता है वो कहलाता है फिक्स्ड और पेग्ड, PEGGED, पेग्ड एक्सचेंज रेट। जो हमारा सेकंड आता है वो आता है फ्लोटिंग और लेट इट बी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, या इसका सेकंड नाम एक्चुअली फ्लेक्सिबल है, लिख लीजिए फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और जो तीसरा नाम है वो कहलाता है मैनेज्ड और डर्टी एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट में। देखिए तीनों में अलग अलग तरीका है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द एक्सचेंज रेट, यहाँ सबसे बड़ा प्लेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ क्या करता है, फिक्स एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट को अपने हिसाब से फिक्स करता है और वो कंट्रोल करता है। जब हम बात करते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, तो यहाँ पर मार्केट इन्फ्लुएंस करता है। मार्केट इन्फ्लुएंस करता है यानी यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स कंट्रोल करते हैं एक्सचेंज रेट को। अगर हम बात करें थर्ड एक्सचेंज रेट का, मैनेज्ड और डर्टी, तो याद रखिए दोनों का मिक्सचर है, फिक्स्ड प्लस फ्लोटिंग इज इक्वल टू मैनेज्ड। इसका मतलब इसमें कुछ फीचर फिक्स के हैं, कुछ फीचर फ्लोटिंग के हैं। यहां पर क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट को, मार्केट यानी बायर्स एंड सेलर्स, पर यहां पर जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट सो एज टू कीप इट इनटू अ लिमिट। यानी सेंट्रल बैंक बीच बीच में एक्सचेंज रेट मार्केट में आता है और उसको कंट्रोल करता है अपने हिसाब से, ताकि एक्सचेंज रेट एक लिमिट में रहे, यानी 50 to 60, 60 to 70, वो अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करेंगे एक्सचेंज रेट को। यानी यहाँ पर दोनों के फीचर्स हैं, एक तो है फ्लोटिंग का जहां पर मार्केट डिसाइड करता है, दूसरा सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है, यानी वो फीचर है फिक्स का। ये तीनों टाइप के जो हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज्ड, मैं आपको तीनों के एग्जांपल एक एक दे सकता हूं। अगर हम बात करें फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट का, तो हम पाते हैं कि फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट जो हमारा है, ये हमें मिलता है एक देश में जिसका नाम है चाइना। चाइना अपने करेंसी को फिक्स या पेग्ड रखता है। अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल का, तो इसका एग्जाम्पल है यूएसए। यूएसए करेंसी जो है वो कहलाता है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल। और अगर हम बात करें मैनेज्ड और डर्टी का, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। जो हमारे इंडिया करेंसी है उसको मैनेज किया गया है, या उसको डर्टी एक्सचेंज रेट बोला जाता है। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स हैं। अगर हम बात करें फिक्स्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है एक्सचेंज रेट को। अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना है, तो बेसिकली उसके पास ह्यूज रिजर्व्स ऑफ एक्सचेंज होने चाहिए। यानी इस टाइप का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे मेंटेन ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दे मेंटेन ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। साथ ही साथ में क्यों करते हैं, अगर एक गवर्नमेंट अपना फिक्स्ड या पिक्ड सिस्टम करता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? याद रखिए फिक्स्ड या फिर पिक्ड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड, टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। स्टेबिलिटी फॉरेन ट्रेड में कैसे आता है, इसको मैं आपको बता सकता हूँ। सपोज अगर आपका करेंसी अप्रिशिएट हो गया, $1 में 60 रुपीज आता था, अब $1 में 40 रुपीज आ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी करेंसी अप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स घटेंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने भी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आपके देश के सारे बैंकरप्ट हो जाएंगे, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अच्छा, अगर करेंसी डिप्रिशिएट आपका कर लेता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे पर इंपोर्ट्स सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो
तो अगर इंपोर्टर्स खराब बर्बाद हो जाएंगे या एक्सपोर्टर्स, दोनों में से कोई भी बर्बाद होगा, तो उसका इम्पैक्ट पूरा इकोनॉमी पे पड़ेगा, पूरा देश पे पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, जॉब पे पड़ेगा, ग्रोथ पे पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, पेक्ट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है करेंसी के मूवमेंट्स को, या फॉरेन ट्रेड में वो स्टेबिलिटी लाता है, ताकि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों सर्वाइव कर सके, दोनों प्रॉफिट कमा सके, दोनों मार्केट में प्रॉस्पर कर सके या ग्रो कर सके। अच्छा, फिक्स्ड जब हम बोल रहे हैं तो हमें किसी के साथ इसको फिक्स करना पड़ेगा, जिस करेंसी के साथ या जो एक प्रीसियस मेटल के साथ हम करेंसी का वैल्यू को टाई करते हैं या फिक्स करते हैं, वो कहलाता है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। याद रखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता है, इसमें हम अपने देश के करेंसी को किसी एक दूसरे देश के करेंसी के साथ या किसी दूसरे कोई कॉमोडिटी या मटेरियल के वैल्यू के साथ टाई अप करते हैं या फिक्स करते हैं, और वो जो है कॉमोडिटी है, करेंसी है, मटेरियल है, वो जो भी है वो कहलाता है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, ये कोई दूसरा देश का करेंसी हो सकता है या फिर ये एक कॉमोडिटी हो सकता है। अब एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्योंकि दो किस्म के हैं, तो फिक्स्ड या पेक्ट सिस्टम भी दो किस्म का होता है। अगर गवर्नमेंट अपने देश के करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी के साथ टाई अप करता है तो वो कहलाएगा पेक्ट सिस्टम, पर अगर गवर्नमेंट अपने देश के करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी के साथ टाई अप नहीं करके गोल्ड के साथ टाई अप करता है तो कहलाएगा पैरिटी वैल्यू। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें, इफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड इज ए करेंसी, तो ये कहलाता है पेग्ड, PEGGED। पर अगर ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड करेंसी नहीं होके इट इज गोल्ड, तो ये कहलाता है पैरिटी वैल्यू। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मीन बाय पैरिटी वैल्यू। तो अगर मैं बोलता हूं व्हाट डू वी मीन बाय पैरिटी वैल्यू, तो मैं बोलूंगा पैरिटी वैल्यू रिफर्स टू ए सिस्टम इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वेयर द वैल्यू ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड और फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द गोल्ड। व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ गोल्ड इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, फिक्स्ड और पेक्ट सिस्टम में क्या है, अगर हम बात करें फिक्स्ड और पेक्ड एक्सचेंज रेट, तो यहां पर सारा एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। गवर्नमेंट क्या करता है, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है, उनके पास दुनिया भर का फॉरेन करेंसीज है, ताकि जब भी उन्हें दरकार पड़े मार्केट में तो वो करेंसीज को बेच के या खरीद के अपने जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबिलाइज कर सके या उसको फिक्स कर दें। याद रखिए फिक्स्ड है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सचेंज रेट मूव नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश करता है कि एक्सचेंज रेट यहाँ पर मूव ना हो। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहता है कि उनके एक्सचेंज रेट फिक्स्ड रहें, ताकि इनका फॉरेन ट्रेड मैनेज हो सके और बढ़िया से चल सके, ताकि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों का भला हो। इस ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग फॉरेन ट्रेड, या द ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर दैट फॉरेन ट्रेड इज स्टेबलाइज्ड। उसके बाद हमने पढ़ा कि फिक्स्ड में हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने देश के करेंसी को किसी एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ फिक्स करते हैं या फिर टाई कर देते हैं। तो अगर हम उसको एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ फिक्स या टाई करते हैं, तो दो टाइप के एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में आया करेंसी या इसमें आएगा कॉमोडिटी। अगर मैं बोलता हूं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में आ रहा है करेंसी, तो ये कहलाएगा पेग्ड, पर अगर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में कॉमोडिटी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तो ये कहलाएगा पैरिटी वैल्यू। इसके साथ हमारा फिक्स्ड या फिर पेग्ड सिस्टम खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे सेकेंड सिस्टम में, जिसका नाम है फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो अब हम शुरू करते हैं
फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैंने इसके बारे में आपको ये बताया था कि फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होता है जहां पर मार्केट डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट को, यानी फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये हम पाते हैं यूएस डॉलर्स में, और जो कंट्री में ये होता है उसका नाम है यूएसए। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर करेंसी जितना भी चाहे बढ़ सकता है, जितना भी चाहे घट सकता है, जितना एप्रिशिएट हो जितना डिप्रिशिएट हो कुछ मैटर नहीं करता है। इस टाइप के करेंसीज में गवर्नमेंट कभी भी इंटरवीन नहीं करता है। इंटरवीन नहीं करता है मतलब, इंटरवीन को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं दखल नहीं देगा। सपोज 1 रुपया में अभी आ रहा है 1/60 डॉलर्स, यस 1 रुपीज, 1 डॉलर में आ रहा है 60 रुपीज। अगर 1 रुपीज में, 1 डॉलर में 40 रुपीज आ रहा है, 1 डॉलर में 100 रुपीज आ रहा है, यूएस गवर्नमेंट कभी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आके इसको चेंज नहीं करेगा। देयर विल बी नेवर नेवर एनी ऑफिशियल इंटरवेंशन इन द करेंसीज मार्केट विच फॉलो द फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल सिस्टम। अब आया थर्ड, इसका नाम है मैनेज्ड और डर्टी। मैनेज और डर्टी का सिंपल स्टैंडर्ड है, अगर मैं फिक्स को और फ्लेक्सिबल को दोनों को मिलाता हूं तो जो मुझे मिलता है वो कहलाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मैनेज का एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है कि यहां पर सबसे पहले मार्केट प्लेयर्स, बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है। पर अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा वैरी करना शुरू कर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 डॉलर इक्वल्स टू 60 रुपीज, पर कुछ दिन बाद ही देखते हैं हम कि 1 डॉलर इक्वल्स टू 70 या 80 रुपीज हो जाता है, तो यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करेगा, वो मार्केट में आएगा और एक्सचेंज रेट को एक लिमिट में डाल देगा। सपोज 60 टू 70, यानी जब 70 के ऊपर जाएगा डॉलर के मुकाबले, रुपीज जब 70 के ऊपर जाएगा तो बेसिकली रिजर्व जो उनके पास है उसको यूज करेंगे और उसको वापस 60 टू 70 के अंदर ला देंगे। इस टाइप का सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में आता है जब भी हम देखते हैं कि डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है। आरबीआई आता है मार्केट में और आके इसके प्राइसेस को विद इन ए लिमिट रखता है। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि हम अपने एक्सपोर्टर्स को और इम्पोर्टर्स को एक कुशन प्रोवाइड करते हैं, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां जहां वो सर्वाइव कर सके और अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सके। इसके साथ हमारा थर्ड टॉपिक खत्म होता है और अब हम मूव करेंगे हमारे फोर्थ टॉपिक पे, और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है आज का उसका नाम है बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कौन से लोग हैं मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज को बाई करते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले आते हैं इंपोर्टर्स। अगर मैं विदेश से गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा यूएस डॉलर्स में, तो मैं डॉलर्स को बाई करूंगा ताकि मैं उनको पे कर सकूं। सेकेंड होते हैं फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, यानी जो इंडियन टूरिस्ट हैं, या इंडियन टूरिस्ट टू फॉरेन। अगर मैं फॉरेन जा रहा हूं, सपोज मैं यूएसए घूमने जा रहा हूं, तो वहां मैं रुपीज में पे नहीं कर पाऊंगा उनको, वो रुपीज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे यहीं से जाते हुए अपने साथ करेंसी ले जाना पड़ेगा यूएस डॉलर्स, जो मैं जाके वहां पर यूज करूंगा, क्योंकि वहां मैं जो भी चीज खरीदूंगा सारा का सारा मैं यूएस डॉलर्स में खरीदूंगा। इसका मतलब अगर मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मुझे स्कूल फीस देना है डॉलर्स में पे करना है, मुझे खाना खाना है डॉलर्स में पे करना है, तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज बाई करना पड़ेगा, हेंस आई विल बी क्लासिफाइड एज ए बायर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो थर्ड टाइप के पीपल्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को बाई कर रहे हैं वो कहलाते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। सपोज मेरे मामा जी रहते हैं यूएसए में, उनका सालगिरह है, मुझे उन्हें गिफ्ट देना है, तो मैं इंडियन रुपीज में नहीं दे पाऊंगा, मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा उन्हें यूएस डॉलर्स में। यूनिलेटरल ट्रांसफर वो होता है जो सिर्फ एक साइड जा रहा है, उसके रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। सपोज मैंने गिफ्ट यहां से वहां भेज दिया तो उनको गिफ्ट मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, तो इसके लिए मुझे गिफ्ट देने के लिए उनको यूएस डॉलर्स में गिफ्ट देना पड़ेगा, तो यह कहलाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर। जो फोर्थ टाइप के पीपल हैं जो बाय करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, उसमें आता है
फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सपोज मुझे यूएसए में घर खरीदना है, एप्पल कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मुझे विदेशी स्टॉक मार्केट में, डेबिंचर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे डॉलर्स में वो सब चीज को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां पर रुपीस के टर्म पे चीजों को नहीं खरीद सकता हूं। इसका मतलब कि अगर मुझे विदेशी एसेट्स खरीदने हैं तो मुझे पे करना पड़ेगा यूएस डॉलर्स में, और क्योंकि मुझे यूएस डॉलर्स में या कोई दूसरे करेंसी में पे करना है, इसका मतलब मुझे करेंसी का दरकार है, यानी मैं करेंसी को बाय करूंगा। और फिफ्थ टाइप के लोग जो बायर्स में भी आते हैं, सेलर्स में भी आते हैं, उनका नाम है स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स वो हैं जो मार्केट में जब भी कोई करेंसी मूव करता है, अप्रिशिएट होता है या डिप्रिशिएट होता है, उसका फायदा उठाते हैं। सपोज अभी $1 = 60 आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत जल्दी ये 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70, यानी रुपी डिप्रिशिएट होगा। तो मैं क्या करूंगा, आज 60 रुपीज देके या 600 रुपीज देके $10 खरीद लूंगा। जैसे ये डिप्रिशिएट हुआ, वैल्यू क्या हो गया, $1 = 70 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा, $10 जो मेरे पास है मार्केट में बेच दूंगा, और 600 के बदले मुझे मिलेगा 700, क्योंकि अभी मार्केट में $1 = 70 रुपीज चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि $10 का वैल्यू हो गया 700, इसका मतलब मैंने 600 में खरीदा, 700 में बेचा, मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो करेंसी को बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, ये दोनों के दोनों में कॉमन है। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं, अगर मैं बात कर रहा हूं बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, तो बायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में 5 कैटेगरी के पर्सन आते हैं। सबसे पहले इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स इसलिए बाय करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ताकि उन्होंने जो माल खरीदा है विदेशों से उसका पेमेंट वो कर सके फॉरेन एक्सचेंज में। सेकेंड, इंडियन टूरिस्ट टू फॉरेन कंट्रीज। अगर मैं एक इंडियन टूरिस्ट हूं, मैं विदेश जा रहा हूं घूमने के लिए, तो मैं वहां रुपीस नहीं चला पाऊंगा, मुझे वहां डॉलर्स, येन, पाउंड, मैं जिस देश में जा रहा हूं मुझे उस देश का करेंसी खरीदना पड़ेगा ताकि मैं उनको उस करेंसी में पे कर सकूं। थर्ड आएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर। अगर मेरे चाचा मामा कोई भी है जो विदेश में रहते हैं और मैं उन्हें गिफ्ट दे रहा हूं, याद रखिए यूनिलैटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर है जो सिर्फ एक साइड से जाता है, एक तरफा प्यार है ये, वापस नहीं मिलेगा आपको। तो एक तरफा जो चीज जाता है वो कहलाता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर में ये आता है कि सपोज मैं गिफ्ट दे रहा हूं अपने मामा जी को जो यूएस में रहते हैं, तो इंडियन रुपीस में वो रिसीव नहीं कर पाएंगे गिफ्ट, मुझे अगर वहां भेजना है गिफ्ट तो मुझे यूएस डॉलर्स में गिफ्ट देना पड़ेगा। फोर्थ आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मेरे पास दुनिया भर के पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं विदेशी कंपनीज में या विदेशी कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने जगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी खरीदा जो कार बनाता है, हाईफाई कार बनाता है। तो जब उन्होंने वो कंपनी खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्होंने रुपीज में नहीं किया, उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट यूके में उनके करेंसी, यानी उनके करेंसी जो है पाउंड, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मैं फॉरेन शेयर्स खरीद रहा हूँ, फॉरेन एसेट्स खरीद रहा हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उन्हीं के करेंसी में, इसका मतलब मुझे उनके करेंसी को बाय करना पड़ेगा। और लास्ट में आ गया स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स वो हैं जो प्राइस मूवमेंट से एडवांटेज पाते हैं, ये आप बोल सकते हैं कि ये रिस्क लेते हैं ताकि ये कुछ अर्न कर सके। तो बेसिकली स्पेकुलेटर्स बायर्स में भी आएंगे और सेलर्स में भी आएंगे। अब जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है उसका नाम है सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन होते हैं सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने स्पेकुलेटर नहीं मिटा है, तो स्पेकुलेटर तो आएंगे सेलर्स में भी। नाउ वी आर मूविंग टू सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम बात कर रहे हैं सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, सबसे पहले आ गए एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स ने अपना माल एक्सपोर्ट कर दिया, इन्हें मिल गया यूएस डॉलर्स, अब ये यूएस डॉलर्स को बेचेंगे यहां पर ताकि रुपी में कन्वर्ट कर सके और उसको यूज कर सके। तो एक्सपोर्टर्स आर द सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक अमेरिकन हमारे देश में एसेट्स खरीद रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने डॉलर्स को लाएगा, इंडिया में बेचेगा, रुपीस में कन्वर्ट करेगा और उससे फिर यहाँ के प्रॉपर्टीज को वो बाई कर सकता है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होते हैं, दे आर द सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड, फॉरेन टूरिस्ट टू इंडिया।
जो हमारे देश में विदेशी टूरिस्ट आते हैं ताजमहल देखने या घूमने के लिए इंडिया में, वो अपने साथ डॉलर्स लेके आते हैं, इंडिया में कन्वर्ट करते हैं और रुपीस में, और रुपीस को यूज करते हैं। तो जब वो डॉलर्स लेके आ रहे हैं, इसका मतलब वो कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर टू रुपीस, इसका मतलब वो डॉलर्स को सेल कर रहे हैं और रुपीस को बाई कर रहे हैं। और फोर्थ कैटेगरी जो पर्सन्स आएंगे वो कहलाएंगे स्पेकुलेटर्स। ये वही लोग हैं जो एक्सपेक्ट करते करेंसी मूव करेगा और जो बढ़ेगा या घटेगा उसमें लोग फायदा निकाल सकेंगे। चार कैटेगरी के सेलर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टूरिस्ट टू इंडिया, और फोर्थ टॉपिक जो हमारा आएगा वो कहलाएगा स्पेक्यूलेटर्स। इसके साथ हम लोग का फिफ्थ टॉपिक खत्म होता है। पर अगर हम बात करें दो टॉपिक का, यानी फोर्थ और फिफ्थ का, बायर्स और सेलर्स का, तो मुझे इनके कर्व बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखें, बायर्स दे हैव द डिमांड, सेलर्स दे आर सप्लाइंग। इसका मतलब क्या है? सपोज यहां पर मैं लिखता हूं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैं लिखता हूं रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान से देखें, मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है रेट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब मैं एज्यूम करता हूँ ये 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 डॉलर है, 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 डॉलर है। अगर करेंसी हमारा डिप्रिशिएट हो गया, 70 इज इक्वल टू आ गया 1 डॉलर, और करेंसी हमारा अप्रिशिएट हो गया तो 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 डॉलर हो गया। तो अब याद रखिए, सपोज 60 है तो हम लोग का डिमांड सपोज ये है 10, ये है 20, ये है 30। तो हम लोग $10 डिमांड कर रहे हैं, $20 डिमांड कर रहे हैं, $30 डिमांड कर रहे हैं। याद रखिए ये है इन डॉलर्स और ये है इन रुपीस, ये जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ये रुपीस के टर्म पे है। तो सपोज $60 है 1 रुपी, तो हमारा डिमांड आ रहा है 20। अच्छा मैं सिंपल बात बताइए, अगर $1 में 60 के बदले 70 आ रहा है, यानी प्राइस बढ़ गया, हर डॉलर जो हम खरीदते हैं उसका प्राइस बढ़ गया, पहले हम पे करते 60 रुपीज, पर अब उसी डॉलर के लिए वो हमसे चार्ज कर रहे हैं 70 रुपीज। यानी जब प्राइस बढ़ता है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। वेरी गुड, डिमांड घटेगा। जब भी प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड घटेगा, यानी जब 60 से 70 होगा तो डिमांड फॉल हो जाएगा 20 से 10। अच्छा जब करेंसी का वैल्यू घट गया 60 से 50 हो गया तो उसका डिमांड इंक्रीज होके चल जाएगा 10 to 30। अब जो तीन पॉइंट्स हमें मिले हैं उससे हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हम ये पाते हैं डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तब होता है जब दो वेरिएबल्स इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर हैं, जैसे प्राइस और डिमांड में हमने पढ़ा था प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मैं फिर से रिपीट करता हूं हिंदी में कि अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इनवर्सली रिलेटेड है, अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होता है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होगा। या सिंपल सा वर्ड है, जैसे 60 से हम 70 में गए हैं, ये टर्म कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है ये? डेप्रिसिएशन। अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल रिड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल
रिड्यूस। ये 60 to 70 हुआ करेंसी, यहां से यहां जो गया ये कहलाएगा डेप्रिशिएशन, यहां से यहां जो करेंसी आया कहलाएगा एप्रिशिएशन। जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होगा डिमांड डिक्रीज होगा, जब भी करेंसी अप्रिशिएट होगा डिमांड इंक्रीज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आएगा सप्लाई को लेके, इसमें कुछ टर्म्स तो सेम रहेंगे। लेट अस सी, लेट अस ड्रॉ ए न्यू डायग्राम। सप्लाई, सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। ओके, लेट अस सी जो सप्लाई करते हैं उनका क्या रिलेशनशिप रहेगा। यहां पर आ गया सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये सप्लाई कर रहे हैं डॉलर्स के टर्म पे, यहां पर आ गया रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हमने ले लिया रुपीस के टर्म पे, हमने ले लिया 1 US dollar इक्वल्स टू सपोज 60 rupees, ये 70 में आ रहा है। ये जो टर्म है ये कहलाता है डेप्रिशिएशन, और सपोज ये 50 आ गया ये टर्म कहलाएगा एप्रिशिएशन। यहां हमने 10 ले लिया है, 10 20 30। अब समझिए, सपोज $60 अब है एक्सचेंज रेट तो सप्लाई है 20। अब क्या होता है, डॉलर रुपी के टर्म पे डेप्रिशिएट हो रहा है, तो जब डेप्रिशिएट हुआ तो ये 60 से चला गया 70 पे। अब जो सेलर्स हैं, देखिए जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, तो जब ये 60 से 70 मूव करेगा तो सप्लाई भी हमारा इंक्रीज होगा, तो ये 70 में इंक्रीज होकर चला गया 30। सपोज प्राइस डेप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट हो गया, ये चला गया 50 में, तो जब 60 के बदले 50 मिल रहा है तो सप्लाई भी घटेगा। अगर मैं इन पॉइंट से कर्व बनाऊं तो ये बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसका मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इफ सप्लाई, इफ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, इफ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वैसे ही मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये हो गए हमारे 5 टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो हमारा है 6 टॉपिक। डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम लेवल लाना पड़ेगा। इसमें भी वही एक्स और वाई एक्सिस आएंगे, यहां पर आएगा सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये रहेगा इन डॉलर्स के टर्म पे, यहां पर हमारा आएगा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारा रहेगा रुपीस के टर्म पे। सिंपल है, ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। सेम डायग्राम, सबसे पहले हम डिमांड के लिए बनाएंगे, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डिमांड का कर्व ऐसा जाएगा, ये कहलाया डीडी डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, ये ऐसा जाएगा, ये हो गया सप्लाई कर्व। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंट्रैक्ट करेगा ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल। यानी फॉरेन एक्सचेंज का वही रेट होगा जहां पर डिमांड विल इंट्रैक्ट विद द सप्लाई कर्व, जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये जो रेट है, सपोज ये रेट है 52
और ये क्वांटिटी है सपोज 13, इसका मतलब 52 डॉलर्स जो है, 52 रुपीस पर वन डॉलर इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, और क्वांटिटी है दिस वन, यानी इस रेट पे 13 डॉलर सप्लाई करने के लिए लोग रेडी है। इस पॉइंट को एनालाइज करिए, यहाँ पर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो ये पॉइंट कहलाता है एक्सेस सप्लाई। ऑन द अदर हैंड यहाँ देखिए, यहाँ सप्लाई कम है पर यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, तो नीचे वाला जो लेवल है ये कहलाता है एक्सेस डिमांड। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर हम लोग को डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करना है, क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो मुझे डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं दोनों ड्रॉ करूंगा, जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के साथ इंट्रैक्ट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल, उसके ऊपर के जो पोर्शन रहेंगे वो कहलाएंगे एक्सेस सप्लाई, उसके जो नीचे के पोर्शन रहेंगे वो कहलाएंगे एक्सेस डिमांड। इस तरह से डिटरमाइन होता है फॉरेन एक्सचेंज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह है मार्केट्स का, वहां पर भी जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो इंडस्ट्री डिमांड और इंडस्ट्री सप्लाई को इंट्रैक्ट करके ही वहां पर भी प्राइसेस निकलते हैं। इसके साथ हमारा सिक्स टॉपिक खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे हमारे सेवन टॉपिक पे, जो कि है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या फॉरेन एक्सचेंज चेंज होता है? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज चेंज होता है, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज दो केसेस में चेंज होता है, एक होगा चेंज इन डिमांड, सेकेंड केस होगा चेंज इन सप्लाई। जो डिमांड में चेंजेस आ रहा है दो टाइप का हो सकता है, डिमांड कैन इंक्रीज, सेकेंड डिमांड कैन डिक्रीज। सप्लाई में भी दो ही टाइप का चेंज आएगा, सप्लाई कैन इंक्रीज और एल्स सप्लाई कैन डिक्रीज। क्या इंप्लीकेशंस होते हैं ये हम समझेंगे ग्राफ के साथ। ये है डिमांड कर्व इन्वर्सली रिलेटेड, यहां पर है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और इस साइड में हमने लिखा है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ध्यान दें, डिमांड इंक्रीज हो गया, हम सबको मालूम है जब भी डिमांड कर्व इंक्रीज होता है राइट साइड में जाता है, तो डिमांड कर्व चला गया यहां पर, ये बन गया डी डी वन डी वन। सप्लाई हम सबको मालूम है पहले से, सप्लाई ऐसा होता है एस एस। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस इट मूव्स टू राइट साइड, इट मूव्स टू राइट साइड। नाउ सी द प्राइस, सपोज ये 60 था अब ये बन गया 65। इसका मतलब जब भी डिमांड इंक्रीज होता है तो हमारा जो करेंसी है, जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी विल डिप्रिशिएट। फर्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक करेंसी हमारा डेप्रिशिएट होगा जब भी हमारा डिमांड इंक्रीज होगा, और जब भी हमारा डिमांड डिक्रीज होगा, याद रखिए डिमांड डिक्रीज होता है ये लेफ्ट साइड में आता है, किस साइड में आता है, लेफ्ट साइड में। ये सपोज डी टू है, ये डी टू है, तो अब ये लेवल यहां से घट के यहां पर आ गया है, ये सपोज है 55, यानी हमारा करेंसी एप्रिशिएट होता है। मैं बोलूंगा डिमांड इंक्रीजेस, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स, डिमांड डिक्रीजेस, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स। दिस इज द मेन कंक्लूजन फ्रॉम चेंज इन डिमांड, यानी जब डिमांड बढ़ेगा तो हमारा जो देश का करेंसी है वो डिप्रिशिएट होगा, पर जब डिमांड घटेगा तो हमारे देश का करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी इट विल एप्रिशिएट और इट विल इंक्रीज। ठीक इसका उल्टा होगा सप्लाई में, अगर हम सप्लाई का ड्रॉ करते, साइड में आ गया हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इस साइड में आएगा हमारा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सपोज ये 60 है, ये है 65, ये है 55, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है हमारा डिमांड कर्व, ये है हमारा सप्लाई कर्व एस एस डी डी। अगर मैं बोलता हूँ सप्लाई इंक्रीज होगा तो सप्लाई राइट साइड में मूव करेगा, एस वन एस वन, इट विल मूव टू द राइट।
इसका मतलब जो हमारा ये था 55 का, ये रिड्यूस होके अब यहाँ पर आ गया 5050 में। इसका मतलब अगर सप्लाई इंक्रीज करेगा तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट करेगा, क्या करेगा? एप्रिशिएट। वैसे अगर मैं बोलता हूँ सप्लाई डिक्रीज करेगा तो सप्लाई यहाँ पर आएगा S2 S2, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब इक्विलिब्रियम लेवल बढ़ गया, ये 55 से आ गया 60 में, इसका मतलब सप्लाई डिक्रीजेस करेंसी डेप्रिशिएट्स। ठीक इसका उल्टा, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, पर यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज होने से डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है। अगर यहाँ डिप्रिशिएट है वहाँ एप्रिशिएट है, यहाँ डिप्रिशिएट है तो यहाँ एप्रिशिएट है, यहाँ एप्रिशिएट है तो यहाँ पर डिप्रिशिएट है, सिंपल एंड स्ट्रेट। इसके साथ हमारा ख़त्म होता है 7th टॉपिक जो था चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और आज हमारा आखिरी टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का तो हमें मालूम होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखिए आप कोई भी मार्केट पढ़ें तो आपको मालूम होना चाहिए मार्केट में प्लेयर्स कौन होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर फॉरेन करेंसीज को या तो बाई किया जाता है या तो इनको सेल किया जाता है। जहाँ पर करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है वो कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 5 टाइप के प्लेयर्स होते हैं या 5 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल्स यानी आप और मैं, हम भी चाहें तो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। सेकेंड आते हैं फर्म्स कंपनीज जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज को बाई और सेल करते हैं। थर्ड में आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी अगर आप HDFC बैंक कभी गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा कि वहां पर डॉलर रुपी पाउंड येन सबका करेंसी का वहाँ ने टेबल लगा के रखा है उन्होंने, और वो कन्वर्ट करते हैं करेंसी। सो कमर्शियल बैंक्स भी डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का बाइंग एंड सेलिंग में। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, ये लोग स्पेकुलेशन के लिए फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट जो आते हैं वो आता है सेंट्रल बैंक, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज को बाई और सेल करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 5 टाइप के प्लेयर्स मिलते हैं, इंडिविजुअल्स आप और मैं, फर्म्स कंपनी, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, रिलायंस इंपोर्टर है, TCS एक्सपोर्टर है। रिलायंस नीड्स टू बाय फॉरेन करेंसी फॉर पेइंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, TCS गेट्स डॉलर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इट सेल्स डॉलर्स, और TCS क्या करता है इंडिया में आके डॉलर को बेचता है ताकि रुपीज में कन्वर्ट करके अपने लोगों को पे कर सके। थर्ड आया कमर्शियल बैंक्स जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया। फोर्थ में आ गया फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। फिफ्थ में आ गया सेंट्रल बैंक जो कि इंडिया के केस पे है RBI। ये 5 प्लेयर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शंस को क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला फंक्शन जो होता है उनका वो होता है ट्रांसफर, जो सेकंड फंक्शन होता है वो होता है क्रेडिट, जो थर्ड फंक्शन होता है वो होता है हेजिंग। हेजिंग इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम में। ट्रांसफर का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू मैं अपना परचेजिंग पावर को एक देश दूसरा देश को दे सकता है, कैसे? उनकी करेंसी को दे के, यानी ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है क्रेडिट। आज जो भी फॉरेन ट्रेड होता है वो उधारी में होता है, तो क्रेडिट के लिए हेल्प करता है हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ताकि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर सकें विदाउट पेइंग मनी, हम सामान खरीद सकें या बेच सकें, जिनका पेमेंट हमें लेना है या देना है वो हम बाद में करेंगे। और थर्ड होता है हेजिंग। हेजिंग याद रखिए, हेजिंग एक एग्रीमेंट है, हेजिंग के कुछ क्वालिटीज हैं। सबसे पहले हेजिंग इज एन एग्रीमेंट जहां पर 2 टाइप के लोग होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स हु एग्री टू एंटर इनटू ए ट्रांजेक्शन। इनके बीच में एक व्यापार होना चाहिए, व्यापार को लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन, एट ए फ्यूचर डेट। देखिए वो ट्रांजेक्शन आज ही नहीं कर रहे, वो ट्रांजेक्शन करेंगे किसी फ्यूचर डे में। सपोज आज का डेट है, अगर मैं बोलता हूँ आज का डेट है 10th जनवरी,
तो आज हम मिल रहे हैं, मैं बायर हूं, सोचो आप सेलर हैं, पर हम आज नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम इसको खरीदेंगे 10 तारीख को, नहीं 25 तारीख को, या 25 जनवरी को, 25 फरवरी को, एट करेंट प्राइसेस, करेंट इसका मतलब ये है, हेजिंग वो एग्रीमेंट है जहां बायर और सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे कि वो एक फ्यूचर डेट में परचेज करेंगे, पर जो फ्यूचर डेट में हम चीज को परचेज करेंगे, हम उसके लिए पे करेंगे आज के प्राइसेस और आज के एक्सचेंज रेट। अगर मैं बोलता हूं, देखिए सोना दुकान जाइए, सोना का दाम एवरीडे चेंज होता है, कभी 25,000 है, कभी 24,000 है, कभी 26,000 है। तो अगर हम बोलते गोल्ड का प्राइस चेंज हो रहा है, मैं आज गया गोल्ड का दुकान में, मैं बोला कि मैं लूंगा ये चीज को सपोज 31 दिसंबर को, पर मैं आपको 31 दिसंबर के प्राइसेस पे नहीं करूंगा, मैं आज के प्राइसेस पे करूंगा, तो वो कहलाएगा हेजिंग। हेजिंग एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां बायर्स और सेलर एग्री होते हैं ताकि वो ट्रांजेक्शन में एंटर कर सके, ताकि वो एक फ्यूचर डेट में बाय कर सके वो कॉमोडिटी करेंट प्राइसेस पे और करेंट एक्सचेंज रेट्स पे। इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कहलाता है हेजिंग। और आखिरी टाइप और लास्ट टॉपिक जो हमारा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर। स्पॉट मार्केट वो होता है जहां पर हम अभी बाय और सेल करते हैं, यानी अभी हम पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, वो कहलाएगा स्पॉट मार्केट। अगर मैं बिग बाजार जाता हूँ, सामान खरीदता हूँ और पैसे देता हूँ, वो कहलाएगा स्पॉट मार्केट। फ्यूचर मार्केट वो है जहां बायर और सेलर आज एग्री हो रहे हैं कि वो फ्यूचर में आज ही के प्राइसेस पे सामान को या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे। इस टाइप का ट्रांजेक्शन कराते हैं फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर मार्केट वो मार्केट है जो हम आज कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर हो जा रहे हैं कि भाई हम आपसे ये चीज लेंगे, पर आज नहीं लेंगे, हम आपसे फ्यूचर में लेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कैंपस। जो कंपनीज आपको कैंपस में उठाने के लिए आएंगे, जब कैंपस सिलेक्शन होता है तो बेसिकली वो एग्जाम खत्म होने से लास्ट सेमेस्टर से पहले आ जाते हैं। जब वो लास्ट सेमेस्टर में आ जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है हम आपको उठा लेंगे, पर आपको ये एग्जाम में पास होना, अगर आप ये एग्जाम पास होंगे आखिरी वाला, तो हम आपको जॉब और प्लेसमेंट आपको देंगे। इसका मतलब कि आज हम एग्रीड हैं कि हम आज के प्राइसेस पे उठाएंगे, पर हम आज ट्रांजेक्शन एंटर नहीं करेंगे, हम ट्रांजेक्शन में एंटर करेंगे एट ए फ्यूचर डेट। इस टाइप का मार्केट कहलाता है फ्यूचर्स मार्केट। इसके साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको लाइव में क्लियर कर सकता हूँ। और थैंक यू।